हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं सही भाई? और मैं आपको आज दिखा रहा हूँ LG फ्रिज। यदि कोई ऐसा भाई हो जिसको ना समझ में आता हो तो थोड़ा समझा देता हूँ उसको। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ और ये LG का रेफ्रिजरेटर है, जिसमें कि जो इसमें दिक्कत आई है, ऊपर कूलिंग कर रहा था और नीचे नहीं कर रहा था ये। तो इसमें हम तीन चीज़ देखते हैं। पहले तो इसकी डटिंग होती है, जो पीछे जो पानी का एयर पाइप होता है, अगर वो एयर पाइप आपका ब्लॉक है तो दिक्कत आती है। तो हम इसको पानी को देखेंगे पहले, ये पीछे जा रहा है नहीं जा रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है बायोमेटल, उसको चेक करते हैं। अगर बायोमेटल के अंदर मॉइस्चर है तो बायोमेटल हम उसको बदल देते हैं। जैसे कि ये बायोमेटल दिख रहा है रेड कलर का, मैंने इसको बदल दिया है। और इसको आप सीरीज में भी चेक कर सकते हो। तो हम पीछे की तरफ देखेंगे, ये पीछे भी पानी नहीं आ पा रहा है। इसमें चॉकिंग है, या तो इसमें बर्फ़ होगी या कोई कचरा अट रहा है इसके अंदर, जिसके कारण ये खुल नहीं पा रहा है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं खोलने की। किसी तरीके से अगर ये खुल जाता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर दो ही समस्या आती हैं, या तो बायोमेटल काम नहीं करता है, बायोमेटल टाइमर, और तुम्हारा ब्लॉकिंग। तो इसके अंदर जो समस्या है ब्लॉकिंग की है, ब्लॉकिंग के कारण ये हो नहीं पा रहा है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसको ब्लॉकिंग खोलने के लिए उपाय। इसमें आप गर्म पानी भी डाल सकते हो, काफ़ी हद तक ये गर्म पानी हम डाल लें इसमें। और अब ये जो है, इसमें पीछे से अगर हम पाइप के अंदर एक तार नुमा है, तार को डालेंगे ताकि उसमें वो खुल सके। कोशिश पूरी करेंगे, ये तार है। एक तरीके से जुखाम जाम हो गया इसका, जुखाम की तरह जाम हो गया ये। अभी ये खुलता नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है भाई, कोशिश कर रहे हैं। पाइप और इसके अंदर एक पाइप और जोड़ेंगे हम। अब जुगाड़ पे ही दुनिया कायम है। तो ये इस तरीके से हमने पाइप जोड़ दिया इसके अंदर। अब दोबारा कोशिश करेंगे, शायद अब कामयाब हो जाए। ये हम पाइप को पीछे डाल रहे हैं इसमें। अभी है पाइप मोटी पर अपना, थोड़ी और करना, पूरा भर जाता है ना बर्फ़ से पीछे, पानी के अंदर होगी बर्फ़ थोड़ी हो। और ये गर्म पानी और डालने थोड़ा सा,
हाँ, और थोड़ा सा रख दे। तो ये गर्म पानी हमने इसमें और डाल दिया, थोड़ी सी और कोशिश करके देखते हैं शायद खुल जाए। और ये पाइप हमारा खुलता नहीं दे रहा है।